हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल यामी वाइब्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू अबाउट दिस पैराशूट एडवांस एलोवेरा एंड रिच कोकोनट हेयर ऑयल तो गाइज आज मैं इसी का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और आज मैं इसी प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स है डिसलाइक्स है एंड किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए वो सभी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ गाइज वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए फिर शुरू करते इस प्रोडक्ट का रिव्यू सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज सो हेयर आम है एंड रिच्ड कोकोनट हेयर ऑयल फॉर सॉफ्ट हेयर सो गाइज सबसे पहले इसका एम आर पी देख लेते हैं इसका जो एम आर पी है वो है वन ट्वेंटी थ्री रुपीज का एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है टू फिफ्टी एम एल की इसमें सेवेंटी फाइव एम एल का भी आता है एंड वन फिफ्टी एम एल का भी आता है आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट थर्टी डेज वन मंथ से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड मैंने इसे अमेजोन से बाई किया था एंड मुझे इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था अगर आप चाहते हैं अमेजोन से बाय करना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल डालूंगी या डायरेक्टली भी आप बाय कर सकते हैं इस हेयर ऑयल के बेनिफिट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स है इस हेयर ऑयल के ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लाइक यहाँ पर रिटर्न है कि फॉर सॉफ्ट हेयर्स और ये आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है गैस मुझे तो बहुत पसंद है ये हेयर ऑयल ये इतना अच्छा है ये आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना देता है यू uh, can't स्टॉप टचिंग योर हेयर्स when यू यूज दिस हेयर ऑयल मतलब ये इतना सॉफ्ट कर देता है आप छूने से नहीं हटोगे अपने बालों को इतना इतना अच्छे से सॉफ्ट कर देता है आपके हेयर्स को एंड uh, मुझे बहुत पसंद है ये ये डेंड्रफ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है आपके अगर आपको डेंड्रफ की problem हो रही है like winters में ज़्यादा हो जाती है uh, कभी कभी समर्स में भी हो जाती है but उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है मतलब एक ही वॉश में आपको दिखेगा कि आपका डेंड्रफ भी चला जाएगा इससे तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इस ऑयल का एंड गाइज़ अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो आई डोंट सजेस्ट कि आप इसे यूज़ करो अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन यूज़ एनी थिंग ऑन टू योर हेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो सबसे पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो उसके बाद ही को, uh, कोई प्रोडक्ट को यूज़ करना सो so गाइज आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हो आप चाहे तो इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो आप चाहे तो इसे हफ्ते में तीन बार तो ज़रूर यूज़ करें ठीक है uh, अगर आप रेगुलर ऑयल अपने हेयर्स uh, पर यूज़ करते हो ऑयल्स लगाते हो अपने हेयर्स पर डेली तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और अगर आप सिर्फ मसाज के लिए हेयर मसाज के लिए सिर्फ ऑयल्स का यूज़ करते हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो uh, अगर आप सिर्फ़ हेयर मसाज के लिए तो इसे यूज़ करते हो तो आपको इसे थ्राइस अ वीक यूज़ करना पड़ेगा मतलब हफ्ते में तीन बार इसे यूज़ करना होगा ठीक है और मैं इसे किस तरह से यूज़ करती हूँ लाइक like, मैं एक दिन पहले इसे अप्लाई कर लेती हूँ अपने हेयर्स में एंड नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ अपने हेयर्स को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मतलब बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं बाल तो इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये हेयर ऑयल मॉइस्चराइज करता है डीपली कंडीशन करता है नरिशमेंट देता है और ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर्स को सॉफ्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है इस हेयर ऑयल के बारे में तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें कि आपके हेयर्स को सच में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है बहुत अच्छे स्मूथ बना देता है कि आप इसे टच करने से नहीं हटोगे अपने बालों को जब आप इससे इसे लगाने के बाद अपने हेयर वॉश करोगे तो ये बहुत बहुत अच्छा हेयर ऑयल है और ये नॉन स्टिक है ये चिपचिपाहट नहीं रहती है जब आप इसे अप्लाई करते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसका तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरी बडी गाइज इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर गुड हेयर ऑयल तो ये वाला सबसे बेस्ट है और ये इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बट मेक श्योर कि आप इसे अपनी स्किन पर यूज ना करें uh, ये सिर्फ एक हेयर ऑयल है जिसे आप स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते ठीक है इसमें मे uh, बी शायद थोड़े बहुत केमिकल्स भी एडिड हो सकते हैं ठीक है तो मेक श्योर sure कि अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें गाइज इसका सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है कुकिंग के लिए यूज मत कर लेना और ना ही स्किन के ऊपर यूज करना बिकॉज इट जस्ट अ हेयर ऑयल एक और कोकोनट ऑयल आता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में बट इसका मत कर लेना ठीक है जस्ट अ हेयर ऑयल यहाँ पे मेंशन भी है इट्स अ कोकोनट हेयर ऑयल ठीक है और स्किन के ऊपर भी यूज़ मत करना मे बी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट होप यू लाइक इट आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड एंजॉय लाइफ गाइज बाई